मान कम रख, क्यों समान उठाए कौन? अरे बोलो तो सरी, कभी रेलवे स्टेशन पर अकेले बैठ कर, कभी कभी तुम्हारी ट्रेन जब लेट हो तो स्टेशन पे बैठ कर देखना जरूर, इतनी अच्छी अच्छी झांकियों के दर्शन होते हैं। जैसे अनंत चतुर्दशी पे झांकियां निकलती है ना, ऐसी झांकियों के दर्शन आपको रेलवे स्टेशन पे होंगे। हैं पत्नी आराम से बच्चे का हाथ पकड़ के जा रही, और पति पत्नी का बैग भी कंधे पे, एक बैग ट्राली खींच रहा, दूसरा टंगा यहाँ हापड़ी भरा रही, खींचता हुआ चले जा रहा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो जीना ही पड़ेगा, चले जा। ऐसी ऐसी अनंत चतुर्दशी की झांकियों के दर्शन होते हैं। समान सब उतर गया, पत्नी ने कहा मेरा पीला वाला रुमाल के अंदर सीट पे जल जाओ। और बेचारा भेरू बाहर आया था बड़ी मुश्किल से, फिर अंदर गया, उसका एक रुमाल लेके आया, ले और उसने रुमाल रखा, चले जा रही। ये आगे आगे चल रही है, भेरू सिंदूर लगा के पीछे चल रही है, आराम से पीछे। और ये मोबाइल की मम्मी से, मम्मी मैं उतर गई। और मम्मी बोल रही बेटा कुली कर ले, हे कुली हे। ये भगवान, सामान जितना कम होगा यात्रा उतनी आसान होगी। उसी तरह अंतिम समय में भी काम लोभ विषय वासना शक्ति तृष्णा जितनी कम होगी, भगवान से मिलन में उतना आनंद की अनुभूति होगी। अंतिम समय का स्मरण, अंतिम समय, कोई यहाँ तो सामान ढोने वाला भी मिल जाएगा, वहां तो कौन ढोएगा, तुम्हें ही ढोना है। पाप भी तुम्हें ढोना है ना, पुण्य भी तुम्हें ढोना है, सही है कि गलत है? तुम्हारी कमाई का भोग, सुन लो अच्छे से जरा दमदारी से, तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा कर लाए हो, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, कुटुंब करेगा, कबीला करेगा, बेटा करेगा, बेटी करेगी, दामाद करेगा, भांजा भांजी सब करेंगे। पर याद रखना, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। कर्म का भोग तुम्हें अकेले करना है। कमा कमा कर तुम जो लाए हो, पत्नी सब कुछ खाएगी, बालू सही गजक सब खाएगी, तुम्हारी कमाई का बेटा खाएगा, बेटी खाएगी, परिवार वाले कुटुंब वाले नातेदार रिश्तेदार, तुम्हारे कमाई का भोग तुम्हारे जीते जी भी करेंगे, मरने के बाद भी करेंगे। परिवार वाले सबसे पहले तुम्हारे कमाई का भोग करेंगे। पर याद रखना, जो तूने कमाया है जिस तरह से कमाया, एक का दो कर छल कर बेईमानी कर कपट कर झूठ बोलकर प्रपंच कर जो तू कमा कर लेकर आया है परिवार को पढ़ने के लिए, उन्नति पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसका भोग ना पत्नी भोगेगी, ना बेटे भोगेंगे, ना परिवार के लोग भोगेंगे, उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। नीचे तो बहुत सारे मिल जाएंगे सामान ढोने वाले, ऊपर क्या होगा, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, अपने कर्म का अपन को भोगना है। इसलिए थोड़ा सत्कर्म, इसलिए तुम्हारे पति के नाम के आगे किसी संत ने कभी धर्मपति नहीं बोला। बोला क्या जी जी, तुम्हारे इतनी कथा होती है आगरा में, कोई महाराज ने आज तक बोला धर्मपति? पर तुम्हारे नाम के आगे कोई भी संत कह देता है धर्म, अरे बोलो जमके धर्म पत्नी, पर पति के नाम के आगे धर्म नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वेद व्यास जी ने किसी पुराण में किसी शास्त्र में पति के नाम के आगे धर्म इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसको घर चलाना पड़ेगा, इसको परिवार पालना पड़ेगा, इसको कुटुंब पालना पड़ेगा, इसको सबको लेकर चलना पड़ेगा, भांजा भांजी नाते रिश्ते सबको संभालना है इसको। इसलिए ये दुकान पर बैठकर छल भी करेगा तो बेईमानी भी करेगा तो कपट भी करेगा, प्रपंच भी करेगा, सारे घर को पालने के लिए ये झूठ प्रपंच कर कमा कर लेकर आएगा, अपनी कमाई का भाग लाकर अपनी धर्म पत्नी को देगा। तुम्हारे नाम के आगे धर्म इसलिए लिखा
था, क्योंकि ये कमाई कर तुमको ला कर देगा। तुम उसकी कमाई में से निकाल कर थोड़ा सा शिव महापुराण में, थोड़ा सत्कर्म में, पुण्य में, गौ माता में, कहीं ना कहीं दान में लगाना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखा। पर माताओं ने उसकी कमाई का निकाला तो सरी, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाई आई, कई धर्म में लगाई, सब डेंटिंग पेंटिंग में। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया, 3 घंटा ये पार्लर में एक जैसी बैठी रहे ककड़ी धर के, ना हंसे ना बोले ना मुस्कुराए, कुछ भी नहीं करे, हैंडसेट पे बात भी नहीं करे, मोबाइल पे मच्छर भी काट रही है तो उससे कह रही है। दो घंटे तक ऐसी कैसी बैठी रही, भगवान जाने वो धागे से बाई का जन क्या करती रही भगवान, 2 घंटे तक एक जैसी बैठी, ना हाथ हिला, ना पाँव हिला, ना मुंडा हिला, ना आँख खोली। समझ में नहीं आया कि कितना, माँ 2 घंटे एक जैसी बैठी रहे, ना हाथ पे हिला, और यहाँ 3 घंटे की कथा में रामदेव बाबा का सारा आसन लगा ले। सब वो तो इनका बस नहीं चले हुए तक, नहीं तो शाम होटल वाले यहाँ पलंग लगा देते तो 2-4 तो यहीं पसने सुने, इनका कहीं बस चले। हे भगवान, अरे बाबा पार्लर वो भी है, पार्लर ये भी है, बस अंतर इतना है उसमें बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है, इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महा देव रीत जाता है। पार्लर तो ये भी है, बस आत्म श्रृंगार का है, आत्म शुद्धता का है। धर्म पत्नी का फर्ज है महाराज, पति की कमाई को थोड़ा धर्म में लगाना, वो खुद कहे उपत के सुनो थोड़ा सत्कर्म की ओर, लाओ जरा मेरे को रुपया दो, भले पति मना करे तो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर सत्कर्म, भले उसको बुरा लगता हो कि मत लगा तो तुम चुपचाप से जा, पति को कमाई को सत्कर्म में लगाना तो पति को भी परम धाम तक ले जाना, ये तुम्हारा फर्ज है कि पति स्वर्ग का रास्ता पकड़े, नरक का नहीं महाराज, गलत मार्ग की ओर ना जाए, ये अपना फर्ज है। पर करे क्या, धर्म पत्नियां तो ऐसी हो गई, पति तो और कह दे ले, दे दे भंडारा में लगा दे, ले इसमें कर दो, और धर्म पत्नियां कर तो रहे, वो कर तो रहे, जब वो कर रहे तुम काहे को चुप, जब कर रहे तो, अरे थोड़ा सा एक काम करे, कल का प्रसाद अपन बटा, क्या करना, जब वो बंटवा रहे लगे तो है, सब कोई कर तो ना, इतना सारा केला चढ़ तो लिया, चलो नहीं, धर्म पत्नी को कहना चाहिए चलो, चलो, चलो करो, लगो करिए, और वो मना करे भेरू तो तुम तो जगदम्बा हो, रुक जाओ निकाला करिया। सत्कर्म की ओर जहां मौका मिल जाए, गौ सेवा हो, वृद्ध सेवा हो, कोई भूख से बिल बिला रहा हो महाराज, कोई भूख से, राम जी की शादी में बड़े बड़े देवता राजा महाराजा आए, कृष्ण की शादी में बहुत कोई आए, शंकर की शादी में देवता उनको तो आने का मतलब ही नहीं था, यहाँ तो भगवान शंकर सोच रहे थे इनके बुला के क्या कर, खिले खिलाए को खिलाओ तो कौन सा मतलब है, खिलाया उसको जाए जिसको जरूरत। ये दुनिया के लोग कथा के बाद में भंडारा रखते हैं, हम इसके पक्ष में कभी नहीं रहते, लोग हमसे भले बुरा माने तो मान जाते, कई लोग कहते हैं हमारा कथा के बाद में शिव महापुराण के बाद भंडारा रखना चाहिए, भागवत के बाद भंडारा रखना चाहिए, हम इसके पक्ष में कभी नहीं रहते, कभी भी नहीं मिलेंगे। हम हमारी व्यासपीठ से कहते हैं अगर कोई हमारी कथा कराए और कहे कि हम भंडारा करेंगे तो हम बिल्कुल मना कर देते, मत करो, तुम सबके घर में खूब पूरी सब्जी बनती है, जी जी भगवान ने आपको खूब दिया है, कोई कमी नहीं रखी है, पूरी सब्जी की जरूरत आपको नहीं है, रसगुल्ले की जरूरत आपको नहीं है, और अच्छी वीआईपी शादी में वीआईपी लोग खाना खा के जाते हैं और जाते जाते भी बुराई करके जाते हैं, हाँ वो तो खूब हराम का आ रिया है तो लुटा रिया है,
इस भंडारे और भोजन की जरूरत तुमको नहीं, किसी गरीब को किसी गौशाला में जाकर थोड़ी एक कुंटल पालक खरीद लो, कोई सब्जी खरीद लो, गौ माता को अपने हाथ से उस भंडारे के निमित्तार्थ खिलाकर आ जाओ। किसी गरीबड़े को जरूरत पड़ रही हो और गरीबड़े भी पहचान कर दे, समय में गरीब भी नहीं पहचान में आते। रेलवे स्टेशन पे हमने कई बार देखा, एक व्यक्ति अपना कोट देकर एक भिखारी को गया, ठंड के समय में अपना कोट देकर गया। हम गाड़ी से उतर रहे थे, भिखारी को कोट एक सेठ दे रहा था और वो भिखारी आग से हाथ ताप रहा था। सेठ जी जैसे ही गए, भिखारी ने उस कोट को लेकर आग में जला दिया। तो कोट को आग में जलाया तो हम फिर भिखारी के पास पहुंचकर हमने उसको 10 रुपए दिए और 10 रुपए देकर पूछा, एक बात बता ईमानदारी से कि तूने कोट क्यों जलाया? अरे महाराज, अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो कोई भीख ही नहीं देगा। फिर वापिस वैसे की वैसे, जिसको जरूरत है उसको क्यों नहीं दिया? जिसको जरूरत नहीं, एक सिग्नल पे जाकर गाड़ी रुकती है, लोग कांच पोछने के लिए आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तुम 10 रुपए निकाल कर उनको दे देते हो, तुम बना रहे हो उनको भिक्षु। जिसको जरूरत है उसको दो ना, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे सबसे पहले दान कहां किया जाता है वो भी समझ लो आज अच्छे से। सबसे पहला दान होता है अपने परिवार में। अगर कोई शिक्षा से विहीन है, अपने परिवार में कोई भूख से बिलबिला रहा है, अपने परिवार में किसी को वस्त्र की जरूरत है, उसको ले जाओ दुकान में, पहले उसको पहनाओ। परिवार में कोई ऐसा नहीं है तो पड़ोसी को देखो, पड़ोसी में नहीं है तो मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में नहीं है समाज में देखो, समाज में नहीं है फिर शहर में देखो। मर्जी तुम्हारी, पहले अपने पास वालों को तो देखो। घर में एक व्यक्ति भूखा बैठा है और तुम जगत में खिलाते फिरो तो ये कहां का भंडारा? हमारी शिव पुराण इसकी आज्ञा नहीं देती, भले आपको बुरा लगे भला लगे वो आपकी मर्जी है, आपको लगता हो लग जाए, पर हमारी शिव पुराण इसकी आज्ञा नहीं। हमारी शिव पुराण कहती है पहले अपने परिवार में देखो, कोई भूखा तो नहीं है, किसी को वस्त्र की जरूरत तो नहीं है, तब जाकर किसी स्टेशन पे कम्बल ओढ़ाना, किसी जगह पर जाकर शाल ओढ़ाना। आप आज कम्बल ओढ़ा के आओगे, बहुत सारी संस्थाएं हो गई कम्बल ओढ़ाते फिर रही है, आज ओढ़ाओगे कल वो बेच देगा, परसों बेच देगा। अरे भैया तुम वृंदावन जाकर देखो, गोवर्धन गोवर्धन जी की परिक्रमा, संत लोग आके कहते हैं हमको आटा दिला दो, बोलते कि नहीं बोलते? 1 किलो आटा दिला दो, शाम तक का भोजन हो जाएगा। हमने कई बार आटा दिलाया, आपने भी दिलाया होगा, आटा दिलाओ, थोड़ी देर बाद वो उसी किराने वाले के आटा बेच के वापिस पैसे ले आता। ओ भैया, जिसको जरूरत है उसको दीजिए साहब, जिसको निमित्ता। और मेरा आपसे भी निवेदन है, आप लोगों ने यहाँ पर भी जो 4-6-8 साड़ियां भूल से चढ़ा दी हैं, मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, वो साड़ियां मेरे पास रखी है, अगर किसी गरीबड़ी बेटी की शादी हो और बहुत गरीब हो, हम लोग यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, आप हमें सूचना दें, हम वो 5-6 साड़ी आपको दे के जाते हैं, आप उस गरीब बेटी को दे देना। हम करेंगे क्या उस वस्त्र का, हम आपको भी करें। अगर कोई गरीब बैठा हो जिसकी बहन बेटी की शादी हो, हमारे पास में झोले में साड़ियाँ रखी हैं जो यहाँ पर किसी ने कन्यादान में चढ़ाई है, आप उसको ले लीजिए, हम उसको समर्पित कर दें। क्या करेंगे उसका? आप उसके विवाह में लगा दो, किसी गरीबड़े को दे दो साहब, करेंगे क्या? निवेदन है आपका, भाव शुद्ध हो, सुख का आनंद हो महाराज, सुख का आनंद। हमारे दादाजी के वस्त्र रखे हैं निशानी में, अरे वो दादाजी भी सोच रहा होगा मेरे वस्त्र कोई नहीं पहन रहा तो किसी गरीबड़े को पहना दो तो मैं स्वर्ग में खुश हो जाऊंगा। निशानी में धरे, निशानी में धरे, तो दादा खुद निशानी था उसको ही धर लेता है? दादा निशानी से कम था क्या? धर ले उसको, नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज तुम कथा बहुत आड़ी तेड़ी बाजते हो, बहुत कड़ली बाजते हो, हमारी कड़ली बाजते तुम्हें अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो जैसी कृष्णा करके अपने अपने घर को जाओ। कई लोग कहते हैं भागवत कराना है तो भंडारा करना पड़ेगा, शिव पुराण कराना है तो भंडारा करना पड़ेगा, नहीं काय को करना पड़ेगा, काय को करना पड़ेगा, कौन ने कहा भंडारे का, कौन से उसमें लिखा कि भंडारा करो? आजकल लोगों ने बहुत ढोंग प्रपंचा बना लिया, बड़ी कथाओं को इतना लाख खर्च होगा, इतना करोड़ खर्च होगा, ऐसा हो जाएगा, काय का खर्चा? स्मरण करिए, स्मरण करिए। और राजेश भैया ने फोन लगा के बोला गुरुजी परेशानी चल रही है, कथा कैसे होगी? हमने एक ही बात की, राजेश भैया चिंता मत करो, कथा करो खोबल मस्ती से करो, आनंद में करो, वो विश्वनाथ बैठा है, कोई चीज की जरूरत हो सूचना तो सी हो हमारे,
आप सूचित करो पर कथा तत्विक रस में करो कथा। और मैंने दोनों भाई इन दोनों को देखा, राजेश जी को भी देखा, साधना भाभी को भी देखा और आपके पूरे मेड़तवार परिवार को देखा, चाहे चाचा हो, चाची हो, काका हो, काकी हो, बहन बेटियां हो, चाहे भोजन बना के लाने वाली जीजी भाभी, मामा मामी जितने भी हैं, पूरे मेड़तवार परिवार को एक चीज तो देखी, किसी के चेहरे पर शिकन नहीं थी साहब, सब आगे बढ़कर काम कर रहे थे, सबका प्रेम प्रखर हो रहा था, सब अग्रण्यता में। परिवार की कथा है, मेड़तवार परिवार की, हमें बढ़ना है, कोई चाचा हो, काका हो, बुआ हो, चाची हो, सब अलमस्त होकर करना है, ये अलमस्ती है हमारे परिवार की, धन की मूलता नहीं, मस्ती की मूल, संग नहीं जाएगा, छूटना है। महाराज समझाओ, शिव महापुराण समझाइश दे रही है, समझाओ, शंकर की कथा कह रही, समझा। शिव कथा कह रही है, पार्वती जी ने लक्ष्मी और सरस्वती को समझाया, परीक्षा मत लो, कोई गलत मार्ग पर जाए तो उसको राय दीजिए, अच्छा मार्ग पकड़ो, सतमार्ग की ओर चलो, समझाया, नहीं मानी, होता है, पतियों से कह दिया परीक्षा लीजिए, गए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए, भिक्षा मांगी, अनसुईया जी के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। मां कहती है नग्न अवस्था में हम भिक्षा नहीं दे सकते, हम नग्न अवस्था में ही लेंगे, हमें नग्न अवस्था में ही भिक्षा चाहिए, ठीक है, हाथ में जल लिया, अगर मेरा सातित्व पक्का है तो ये तीनों बच्चे हो जाएं, जल छोड़ दिया, ये बच्चे हो जाएं, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बालक हो गए। इन तीनों के अंश अवतार से तीन देवता प्रकट हुए, भगवान विष्णु से दत्तात्रेय भगवान, भगवान ब्रह्मा से चंद्रदेव और भगवान शंकर से दुर्वासा जी प्रकट हुए। तो शिव का